बिकॉज आई वॉज थोड़ा सा चलना रहा है वो ये साउथ मुंबई थोड़ा लहराना थोड़ा बोलना थोड़ा इंग्लिश थोड़ा सब कुछ you know, you दो से रात के दस बज गए आठ घंटे अकेले मेरा ऑडिशन चला है रोजाई का आवाज मुझे दो दिन पहले बाथरूम में मिली कमोड पे मिला जुलाई ऑगस्ट में उस समय खिचड़ी चल रहा था so i got this opportunity to do two episodes in khichdi and that was the first time i ever attempted comedy and atish kapadia jo us samay writer director producer sab the hats off to unhone pehle episode mein mujhe comedy uh, में लाश बनाया <laughs> तो उनको विश्वास नहीं था कि मैं एक्टिंग कर पाऊंगा कि नहीं कॉमेडी कर पाऊंगा कि नहीं तो जो कि मुझे भी नहीं था कि मैं कॉमेडी तो नहीं कर पाऊंगा भाई तो उन्होंने लाश बना दिया पेड़ के ऊपर लटका दिया बहुत कुछ हुआ फिर वो ऐसे करके एक और उन्होंने मुझे मौका दिया uh, कुछ जिम इंस्ट्रक्टर का आई रिमेम्बर एक रोल था तो वो भी और खिचड़ी वॉज वेरी पॉपुलर सीरियल एट दैट टाइम बट उसी के दौरान उन्होंने मुझे बोला कि वी आर कमिंग अप विथ अ शो एंड आई एम थिंकिंग यू नो दर इज़ दिस वन कैरेक्टर जो तुम कर सकते हो बट उसके लिए ऑडिशन वगैरह लेना पड़ेगा आई लेट यू नो आई लेट यू नो तो अपना फ़ोटो वेटो छोड़ दे मैंने कहा फोटो तो वहीं है सर या फिर मैंने वो जहाँ पर हम लोग उस समय स्टिल शूट होता था उसके एल्बम्स बनते थे कंटिन्यूटी के लिए डेली सोप में तो उसमें से कुछ अच्छे फ़ोटो आप खिंचवा लेते थे अच्छा बहुत अच्छा फ़ोटो भी आप नहीं खिंचवाते थे टेलीविजन में आपको एक और बात बताऊँ आप बहुत खूबसूरत अपना फ़ोटो नहीं खिंचवाते थे टेलीविजन में क्योंकि आपको हमेशा ये डर होता था कि कब आपका किरदार मार दिया जाए और आपके इसी फोटो को फ्रेम करके टांग दे दरबार पे और माला चढ़ा दें तो इस चक्कर में ना हमेशा कोई एक्शन ओरिएंटेड फोटो देते थे ताकि ताकि ये फोटो में मरने के बाद ये फ़ोटो नहीं लगाया जा सकता है बिकॉज आप शांत फोटो होता है ना मरने के बाद आदमी अब आप उसमें आपने कल्टी से उंगली यहाँ कर दी यहाँ कर दी यहाँ कर दी आप अपने आप को बचाते थे तो तो वैसे बहुत सारे फोटोज़ मैंने कलेक्ट किए हुए थे उस समय <coughs> जो दैट बिकेम पोर्टफोलियो ऑफ माइंड क्योंकि फोटो कभी पोर्टफोलियो बनवाना नहीं था तो वही स्टिल दादा के साथ मिल करके अपना फ़ोटो निकाल लिया अब वो लेकर के मैंने इनको दे दिया एनी विच वेज सो ही कॉल्ड मी पूना वाला बंगलो में शूट कर रहे थे खिचड़ी का सो ही कॉल्ड मी इन द आफ्टरनून कि तुम आ जाओ और मुझे तुमको कैरेक्टर बताना है एंड दे इन ही एनेक्टेड होल ऑफ़ रोसेश सारा भाई आतिश कपाड़िया विथ विथस विथ मैनरिज्मी थिंग एंड एवरी थिंग जस्ट बाउंसड ओवर मी मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि ये क्या कैरेक्टर है ही एनेक्टेड द होल सीन एंड आई जस्ट केप्ट ऑन यू नो लुकिंग एट एटेम स्टेयरिंग हिम एंड आई सेट कि यार ये क्या है ये कौन है ये आदमी <laughs> ये सर क्या है ये कैरेक्टर तो फिर उन्होंने अन कर दिया बोले ऐसा ऐसा करना है तुमको मैंने कहा ऐसे ऐसे कैसे होगा बोले ठीक है ऑडिशन लेंगे मैंने कहा कि थोड़ा टाइम चाहिए प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम चाहिए मैंने कहा पंद्रह दिन तो चाहिए कम से कम चलो ठीक है पंद्रह दिन के बाद कर लेंगे पंद्रह दिन में मैं टाउन में रोसेश ढूंढने निकल गया कि कहीं तो मुझे रोशेश सारा भाई दिख जाए कोई तो दिखे जो ऐसा यू you नो know, इस तरह से दिखता हो चलता हो बात करता हो बड़ा एक वो पंद्रह दिन तो खैर मतलब जो समय लिए थे उसमें कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ कोई कहीं नहीं मिला मुझे मतलब जितने भी डिस्क थे पब थे सब जगह छान मारा मेरे रोशेश सारा भाई उस समय कहीं नहीं मिला पंद्रह दिन के बाद ऑडिशन था मलाड में हेड्स ऑफ प्रोडक्शन का एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट ऑफिस टाइप का था वन बेडरूम हॉल उसमें दिपेश शाह करके एक डायरेक्टर हैं वो एडी थे उन उनके पास एक कैमरा था और अकेला मैं था दोपहर को दो बजे से कहानी शुरू हुई कि दोपहर के दो बजे से हमको ऑडिशन लेना है दो बजे से रात के दस बज गए आठ घंटे अकेले मेरा ऑडिशन चलाया रोसेरा बाई का और उसमें ये हो गया कि कभी हाथ आए तो आवाज़ ना आए आवाज़ आए तो वो थोड़ा सा ए, ऐसे हो जाए थोड़ा ऐसे हो जाए अब वो एक परफेक्ट मोमज़ बॉय जो है वो निकल ही नहीं रहा था उसमें एक दो टेक कहीं ऐसा शायद स्पार्क दिखा था जिसके बेसिस पे ये हो गया था कि सितंबर से हम ये शो शुरू कर रहे हैं तो मैंने कहा और कैरेक्टर्स कौन कौन है इसमें तो सतीशा है रत्ना पाठक है राघवन है और रूपाली गांगली और मेरा ढाक मतलब एक गला सूखने वाला जो सिनेरियो था वो था मैंने कहा ये इन, इनके ये सतीश जी और रत्ना जी का बेटा मैं। अच्छा <laughs> तो <laughs> आवाज ही नहीं मिलने को तैयार बहुत समय मतलब एग्जैक्टली exactly एक डेढ़ दो दिन पहले शूट के फाइनली आई रिमेंबर पहले तो हेयर स्टाइल नहीं मिला क्योंकि हेयर पहले लुक टेस्ट हो रहा था फिर बाद में वॉइस के लिए जाते तो लुक टेस्ट में फ्रस्ट्रेटेड था बाल बनी दे रहे थे अच्छा बारिश का महीना हो जाता है ना तो मेरे बाल वैसे भी अभी भी आप देख रहे हो तो फ्लैट हो जाते हैं बिकॉज मॉइस्चर होता है तो बाल बैठ जाते हैं तो गुस्से में ना वो जीकोम लेकर के मैंने मतलब बाल नहीं बन रहा इस टाइप से ना वैनिटी में खूब चिल्ला के किया एंड सडनली आई सॉ माई सेल्फ एंड आई एक्चुअली गॉट द लुक कि जहाँ पे बाल सारे ऐसे थे जो रोसेज का हेयर स्टाइल बना आई से लुक तो मैंने फोटो खिंचवाई स्टिल दादा से मैंने कहा यार ये जाकर के तुरंत देता हूँ आतिश भाई को मैंने कहा कि हेयर स्टाइल ये चलेगा अरे परफेक्ट परफेक्ट है चलेगा चलेगा हाँ, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद अब आवाज ढूंढने की बारी आई तो उसमें अब तब तक शादी हो चुकी थी और पता नहीं उस समय मुझे याद है कि जब ऑडिशन ही दे के आया था तो मैंने अपनी वाइफ को बोला था कि ये एक ऐसा किरदार है ना जिसको मुझे अंदर से ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि अगर ये मैंने कर लिया तो ये ना मुझे इस जन्म के इस करियर को स्टैब्लिश कर देगा आई डोंट नो आई हैड सच अ स्ट्रांग इंट्यूशन अबाउट द कैरेक्टर आई सेड ये ना मेरे करियर का बेस्ट होगा और ये मेरे करियर को बनाएगा ये ऐसा कैरेक्टर है अगर ये ऑडिशन के बाद ये हाँ बोल देते हैं तो, तो हाँ तो खैर बोल ही दिया उन्होंने जो कि बाद में मुझे पता चला कि मेरे अलावा इन्होंने किसी और का ऑडिशन ही नहीं लिया था इस कैरेक्टर के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी आज मुझे टाइम मिला है ना दो से दस कल किसी और को बुलाएंगे परसों बिकॉज रूपाली वाले कैरेक्टर के लिए भी कहीं ना कहीं दो चार लोग ऑडिशन के लिए चल रहे थे बट आई फॉर मी लेटर ऑन आतिश टोल्ड मी कि वैसा किया ही नहीं कुछ सिर्फ ही थे ओवरवेलम्ब विद द होल थाट कि यार एक आदमी कितना बिलीफ है उसका कितना कन्विक्शन उसको लग रहा है कि ये छः फिट का आदमी ही रोसेज बन सकता है और उसकी आवाज़ भारी है बट उसको करना ट्रेबल है मतलब यू नो देर इज अ होल कॉम्बिनेशन ऑफ विच वॉज अ चैलेंज एनी विच वटिंग शॉर्ट आवाज मुझे दो दिन पहले uh, बाथरूम में मिली कमोड पर मिला बिकॉज इज जो तब तक मैं वन बीएचके से टू बीएचके एच में जा चुका था तो वो बाथरूम की दीवार जो थी एकदम मुँह पे थी तो कुछ भी बोलता था तो एको होता था उस एको में मैंने आवाज़ अपनी ढूंढी कमोड़ के ऊपर बैठ करके क्योंकि कोई स्ट्रेस बना हुआ था ना प्रेशर बहुत था <laughs> तो तो वहाँ पर आवाज मिली मुझे वो हेलो 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 एंड फाइनली आई गॉट दैट ट्रेबल विच सेज हेलो 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 एंड फॉर दोस्ट टू डेज मैंने और राजेश की आवाज़ में बात ही नहीं की मैं पूरे बिल्डिंग में चाहे मेरी मेड हो चाहे वॉचमैन हो चाहे परचून वाला हो सब्जी वाला हो मैं सबसे सिर्फ रोसेश की ही आवाज़ में कि अरे आप ये झाड़ू लगा दीजिए आप पोछा लगा दीजिए आप ये खाना आई नेवर वॉन्टेड टू लूज दैट वॉइस एंड आई कॉल्ड अप आतेश भाई एंड आई सेड कि दिस इज द वॉइस यू आर लुकिंग आउट फॉर ना यही आवाज़ चाहिए थी ना आई सेड हाँ परफेक्ट परफेक्ट है फ़ोन पे परफेक्ट गया एंड आई वाज सो रिलीव बट टू डेज़ हालांकि बाद में मैंने एपिसोड्स देखे हैं कि वो धीरे धीरे और ट्रेबल बढ़ता गया है बट शुरुआत में थोड़ा बेस था बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट यू नो थोड़ा सा चलना है वो नो साउथ मुंबई थोड़ा लहराना थोड़ा बोलना थोड़ा इंग्लिश थोड़ा सब कुछ यू ना यू है टू मेक्स दैट तो वो करने में काफ़ी वो गया एंड आई रिमेंबर की फर्स्ट फोर एपिसोड्स ऑफ सारा भाई विच नॉट मेनी पीपल नो अबाउट सो फर्स्ट एपिसोड आई हैड ओनली वन सीन बिकॉज आतिश भाई ऑल्सो सेट कि दिस कैरेक्टर इफ इट वर्क इट विल वर्क टू हंड्रेड परसेंट इफ इट डजेंट इट विल फॉल फ्लैट सो ही नेवर वॉन्टेड टू टेक चांस विद रोसेश एज सच सो विथ ऑल इज ऑनेस्टी ही रोट वन एपिस वन सीन इन द फर्स्ट एपिसोड सेकेंड में एपिसोड में भी शायद एक आधी सीन था थर्ड एपिसोड में सीन ही नहीं था फोर्थ एपिसोड में दो सीन थे या कुछ था एंड देन वी हैड तो चार चार एपिसोड हम हर महीने में शूट करते थे तो नेक्स्ट शेड्यूल फिफ्थ एपिसोड से रोसेश प्रॉपर तरीके से आ गया था जहाँ पे इसकी कहानियाँ इसके ऊपर भी एपिसोड्स गए यू नो वेर एपिसोड बिकॉज फर्स्ट फोर एपिसोड के बाद स्टार वन लॉन्च होना था एंड वो जो एक कविता थी मेरी ना ओ मामा ओ मामा तुमने मुझे जन्म दिया ओ मामा ओ मामा सबसे अच्छा कर्म किया वो वाला पोएम स्टार के जितने हेड थे यू you नो know, उस समय उन्होंने मुझे बीच में खड़ा किया था और वो चारों तरफ ऐसे उन्होंने घेर लिया था पार्टी में और उन्होंने बोला कि वो पोएम सुनाओ एंड आई सेड दे आर स्टार हेड्स

यू नो एंड सारा भाई उनको लगा फर्स्ट प्रोजेक्ट है फिर बहुत सारे लोगों को लगा कि वही आवाज़ मेरी ओरिजिनल आवाज़ है वो सब तो चला तो वहाँ पे वो जो बस आया तो उससे ये क्लैरिटी हुई कि दिस कैरेक्टर इज़ वर्किंग एंड परफॉर्मेंस फिर जो चार एपिसोड में किए एडिट हुआ एडिट के बाद इन लोगों ने आतिश भाई ने देवेन ने अंजडी भाई ने इन लोगों ने जब देखा सो दे फाउंड कि देर इज़ समथिंग एंड अब हम दे सकते हैं अब हम यू नो स्लो स्लो बर्नर पे ही पका है रोसेज यू नो इट नेवर वेंट ऑन हाई फ्लेम इट वॉज अ स्टर फ्राई कैरेक्टर इट वॉज अ वेरी स्लो फ्लेम कैरेक्टर कि धीरे धीरे पकेगा धीरे धीरे पकेगा और इतना पकेगा कि बाद में कितना पकाएगा ये भी नहीं पता था सो सो दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर हैपेंड एंड देन सारा भाई हैपेन्ड फॉर गुड वन एंड अ हाफ ईयर या वन ईयर एक्चुअली वो सेप्टेंबर में शूट शुरू किया था टू थाउजेंड फाइव and इट गॉट ओवर best part was Sarabhai flopped. अब वापस वही अपनी दुकान ढूंढो वापस काम करो यार एक इतना अच्छा किरदार किया था लोगों ने देखा नहीं अब आप उस ग्लानी बट ठीक है आपके आपका एक फैमिली बन चुका था क्योंकि आप उस समय WhatsApp पे नहीं थे आप उस समय बाकी सोशल मीडिया से अफेक्टेड नहीं थे

so work wise I had another work which went on for good 4 years and it was like good 20 days of shoot was happening every month and life was going गोइंग सब बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया है अराउंड टू थाउजेंड एट सडनली सारा भाई सारा भाई का एक बज शुरू हुआ कहीं भी जाऊं तो लोग भा बहू बेबी के नाम से मुझे बुला नहीं वो पीछे से लड़के मतलब बच्चे भी, भी रोसेश वही रोसेश

वट यू नो कि आपको एक आइडेंटिटी बनती चली गई रोसेज देन कॉमेडी सर्कस हैपेंड देन उसके बाद फिर मिसेज मिस्टर Mr. शर्मा इलाहाबाद वाले किया फिर चिंटू चिंकी किया फिर नीली छत्री वाले किया बट जैसे जैसे 2014 15 16 तक पहुंच रहा था रोसेज बॉस बिकॉज तब तक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया फेसबुक यूट्यूब uh, इतनी सारी चीज़ें यू you नो know, एक आती चली गई ना विच एक्चुअली मैं जो बोला ना मैंने कि रोसेज का एक कैरेक्टर ऐसा था जो स्लो बर्नर पे था वो धीरे धीरे पका है वो पकते 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 आज 2023 में भी यू you नो know, वो खाना स्टेल नहीं हुआ है अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो पक सकता है यू you नो know? अभी भी थोड़ा थोड़ा इसमें अभी भी बाकी है कुछ कुछ फ्लेवर और मसाला बाकी है यू नो सो दैट हैपन्ड एंड सो पैरेलली रोसेश वाज बिल्डिंग अप एंड पैरेलली डेफिनेटली यू हैड टू रन योर किचन योर हाउस तो आप यू नो यू वर्किंग डे इन डे आउट आप तीसों दिन काम कर रहे थे बिकॉज अब आपकी फैमिली हो गई थी तो पहले आप वन रूम किचन में थे अब टू बेडरूम हॉल में आ गए अब टू बेडरूम हॉल में रहने वाले दो दो से चार हो गए यू नो सो आपकी आपका परिवार बढ़ता चला गया एंड थिंग स्टार्टेड रोलिंग इन फॉर यू